राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति ने पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए पंचायत पुरस्कार। गांवों में शांति और सद्भाव बनाए रखने की आवश्यकता पर दिया बल। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक गोवा में शुरू। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने किया उद्घाटन। 3 दिन की इस बैठक में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज से आरंभ। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगा पंजीकरण। इस वर्ष 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी श्री अमरनाथ यात्रा। भारतीय सेना के कमांडर्स का सम्मेलन आज से दिल्ली में शुरू। 5 दिन का ये सम्मेलन 21 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को सम्मेलन को करेंगे संबोधित। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक जारी। परिवहन से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर होगी चर्चा। देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना संक्रमण के करीब 9,100 नए मामले। देश में समय कोरोना के 60,000 से अधिक सक्रिय मामले। अब तक 220,66,00,000 से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का लिया निर्णय। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय तैयार करेगा SOP। भारतीय रेलवे ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किया सफलतापूर्वक ट्रायल रन। तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हुआ ट्रायल रन का आयोजन। ट्रायल रन पूरा होने के बाद होगी ट्रेन के फाइनल शेड्यूल की घोषणा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश में लू की स्थिति का जताया अनुमान। भारत के अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक रहने की संभावना। शैली सिंह ने भारतीय इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए एशियाई खेलों के लिए किया क्वालिफाई। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शैली सिंह को दी बधाई।